बड़वानी के रणजीत क्लब में सालों से रह रहे पांच परिवारों को रणजीत क्लब से बेदखल करने के आदेश एसडीएम ने जारी किए हैं। एसडीएम के अनुसार पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के चलते परिवारों को क्लब परिसर से हटाया जाएगा। जिला मुख्यालय पर दो दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रणजीत क्लब को अपने अधीन लेकर उसे सील कर दिया था, जिसके बाद क्लब परिसर में वर्षों से रह रहे पांच परिवारों के भी सर से छत छिन गई थी और जिन्हें प्रशासन ने दो दिनों में मकान खाली कर अन्यत्र जाने के निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद रहवासियों ने एसडीएम को मकानों से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए। उनके अनुसार वर्षों पहले महाराज ने उन्हें जमीन दान में दी थी, जिसके दान पत्र भी उनके पास हैं। एडीएम साहब हमारे घर आए और सीएमओ साहब आए, ये क्लब के अंदर जो तोड़ा फोड़ी चल रही थी उस बीच हमारे यहाँ कुछ अधिकारी लोग आए और हमें कहे मकान खाली कर दीजिए आप, क्या नहीं तो हम तोड़ देंगे। सर मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मेरे पिताजी 75 साल से निवास कर रहे थे और मेरा जन्मदिन यहीं का है, पैदाइश इसी मकान की। सारे कागज डॉक्यूमेंट से मौजूद है, नगर पालिका डाकला है 72/83 का और इस बीच में इंदौर में केस भी चला था, कमिश्नर से आदेश हुआ उस बेस पर हमारा डाकला बना है। वो बीच में क्लब वालों ने हमारे पे एक ब्लेम करा था जिसमें लिखा था एडीएम साहब को बड़वानी के कि ओरिया साहब के टाइम कि आप अतिक्रमण कर लिया आपने, और ओरिया साहब पास हम गए दस्तावेज उन्होंने हमसे बुलाए तो साहब ने आर्डर करा कि आप कोई भी कार्य लीगल कीजिए, बिना मंजूरी के कार्य ना करें। बस जितना कह के हमें कागज हमारे हाथ में दे दिए। रणजीत क्लब के अंदर पांच मकान बने हुए थे जिनका कलेक्टर महोदय द्वारा जो रणजीत क्लब को अधिग्रहित किए जाने का आदेश किया गया था उसी में वो लोग भी शामिल हैं। तो जो रहवासी लोग रणजीत क्लब परिसर में रह रहे हैं उनको मकान खाली करने के निर्देश दिए हुए, सभी उनने दस्तावेज पेश किए थे, दस्तावेजों का परीक्षण किया गया लेकिन इसमें कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं पाया गया कि जिससे उनका वहाँ पे अधिकार वैध पाया जाए। वहीं प्रशासन ने दस्तावेज अपूर्ण बताते हुए जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम के अनुसार रणजीत क्लब सहित परिसर की जमीन पर शासन का आधिपत्य है और रहवासियों के मकान क्लब परिसर में बने हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाएगा।